भाई साहब, इट फील्स लाइक अ ड्रीम। अभी भी ऐसा लग रहा है सपने ही देख रहा हूँ। रोको चाहिए क्या? बोलो जुबा केसरी। अरे ब्रो, अभी आ जाऊं तो चला लेना अच्छे से, वरना इतने प्यार से देख रहा हूँ खड़े होके हाथ बांध के। माँ, यात्रा चालू। जय श्री गणेश। जय श्री। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6 सेकंड में। 6 सेकंड में मम्मी है, मम्मी से बात कर ले। भाई ये पैसे ही नहीं ले रहा है बंदा यार। हाय गाइस, वेलकम, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं पापा जी को सरप्राइज देने होशंगाबाद, क्योंकि आज ही जाना है, आज ही सरप्राइज देना है, नहीं तो वो मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पापा व्लॉग देख लेंगे परसों तक। और अगर पापा ने स्टोरी ऑलरेडी देखी ली है हमारे अदर रिलेटिव्स की, उन्होंने डाल दी है, तो फिर पापा को पता चली गया। पर मुझे जाना है उस जगह पे, क्योंकि पापा जहाँ पे है, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। आप लोग पूछते रहते हो ना पापा कहाँ, पापा कहाँ, आज आपको दिखा दूंगा कि वो कहाँ रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पर उससे पहले सबसे जरूरी चीज हम जरूर करेंगे, वो सबसे जरूरी चीज है जिम जाना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी हम इसी समय निकलेंगे जिम, और होशंगाबाद से कल वापस आ जाएंगे हम, और होशंगाबाद से वापस आने के बाद फिर जाएंगे जिम। तो जिम मिस नहीं हो रहा है, ना ही डाइट, मैं मेक श्योर करूंगा, क्योंकि अभी हम गुड़गांव गए थे तो वहां पर भी हमारी डाइट मिस नहीं थी। बॉडी आप देख सकते हो इम्प्रूव हो रही है, लेग्स भी देख लो। और चलो, तो मनन आ रहा है हमारे वीडियो बनाने आज जिम में, काफी शोर होगा तो वीडियो कम देखने को मिलेंगे, पर हम वर्कआउट करेंगे। और एक कॉल किया, वो लड़का नहाने जा रहा था, बोल रहा है आ रहा हूँ भैया। अक्षय थोड़ा सा 10 बजे 11 बजे के बाद कारोबार संभालता है। भाई साहब, इट फील्स लाइक ड्रीम, अभी भी ऐसा लग रहा है सपना ही देख रहा हूँ। इसमें एक फीचर है, पास जाते से ही अपने आप ऑन हो जाती है, देखो दिखाता हूँ, कोई बटन प्रेस नहीं, ये देखो अपने आप ऑन हो गई। घर पे बैठे बैठे इसको ऑन कर सकता हूँ, घर पे बैठे बैठे इसकी एसी ऑन कर सकता हूँ, घर पे बैठे बैठे इसकी विंडो गिरा सकता हूँ, घर पे बैठे बैठे इसकी सनरूफ खोल सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो घर पे बैठे बैठे मैं कर सकता हूँ, अब बस चलाने नीचे आना पड़ता है। हमारी मम्मी जी की दोस्त भी आई है, उनको भी गाड़ी दिखानी है। नमस्ते आंटी, धन्यवाद। यहाँ हमारी माता जी की दोस्त है, इनके यहाँ किटी पार्टी है, तो मम्मी आज होशंगाबाद जा रहे हैं ना, मम्मी कह रही हैं आने से पहले छोड़ जाना, मतलब जल्दी आ जाना वहाँ से। क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, रथ खड़ा है, रथ। इतनी बड़ी गाड़ी है यार। हाँ भाई, बहुत बड़ी चौड़ी है, मस्त। बैठ जा बैठ जा, जलन करता है, तो आप कोशिश करो कुछ केले वेले खा लो, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ खा लेता तो अभी ब्लोटिंग हो जाती, इसलिए। हाँ, चाहे फ्यूल वन हो चाहे मसल ब्लेज हो, मसल, ओ बाप रे बाप, मसल ब्लेज से सारे के सारे प्री वर्कआउट और दूसरे सप्लीमेंट्स ऑर्डर करो, और फ्यूल वन से वे प्रोटीन, क्योंकि इट इज सुपर चीप आफ्टर यूजिंग माई कोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो, आज ड्राई स्कूपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ गिलास नहीं मिलेगा, और जिम में भीड़ बहुत होगी, इसीलिए मैं आज अपने आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बचा है उसमें क्या? बेंच प्रेस ले लें क्या? ले लो, छोड़ यार डंबल के बाद। वो है खाली है, इंक्लाइन है ना। हाँ, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये तो पीआर था।
हो गया। निखिल को लगेगा कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, आज सो रहे हैं, वो वॉक करके चला जाएगा। इसके बाद पुशअप है, ये हमारी मेजर मूवमेंट्स थे, उसकी लास्ट मूवमेंट है। क्या एक्सरसाइज का नाम है यार, ओवरहेड ट्राइसेप्स। बेसिकली आपका हाथ ऐसा उठ गया ना तो वो ओवरहेड हो जाता है, नीचे है तो ये स्टैंडिंग क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स है। ओवरहेड में आपका जो ट्राइसेप मसल एक साथ सारे हिट होते हैं, सारे हेड लेंथन में ट्रेन हो रहा है। लेकिन देखो अभी एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों को इसमें ना शोल्डर पेन की समस्या आती है, क्योंकि वो इस तरीके से इधर को उनका शोल्डर जाता है, शोल्डर उनका स्टेबल नहीं है, ठीक है। उस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मैकेनिकल टेंशन बढ़ाने के लिए, इस हाथ से इधर को सपोर्ट दो, ये शोल्डर स्टेबल हो गया, नाउ दैट्स इट। सिर्फ पानी पिया जा रहा है आज प्री वर्कआउट के बाद, खाली पेट वर्कआउट चल रहा है तब से। नो पी यार, बट आई एम हैप्पी कि अच्छा खासा पुश कर लिया। फॉर्च्यूनर मेरा प्लान था, पर भगवान को कुछ और ही रास आ रहा था। ये देख भाई, इसकी बात कर रहा था मैं, ये इतना प्यारा, यहाँ से नहीं नीचे से आता है, सॉरी दिख रहा है उसमें फोन में। मेरे को लगा रात में मैंने देखा तो मेरे को लगा कि ये कहीं ट्यूबलाइट की लाइट आ रही होगी ऊपर नीचे से, फिर देखा ध्यान से तो मेरी गाड़ी से आ रही थी। पनीर को रॉ खाएं या फिर पनीर को हम कुक करें या फिर उसको फ्राई करें, देखो रॉ खाने को मैं मना करूंगा, या तो उसको अच्छे से साफ करो। हल्का सा कुक कर लोगे तो पहली चीज डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसमें थोड़े बहुत जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से भी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम पता क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम चीज़ों को रॉ खाने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, पचा नहीं पाता है उसको, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल या फिर कुछ बैक्टीरिया रहता है, जिस वजह से या तो लूज मोशन डायरिया हो सकता है या फिर आपको गैस होगी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और ये लॉन्ग रन में अगर कर रहे हो, फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग रन में कर रहे हो, तो गट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसलिए उसको हल्का सा कुक कर लो, डीप फ्राई भी नहीं करना। आपने डीप फ्राई का भी मुझसे पूछा था कि क्या उसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं, हल्का सा कुक कर लो, बस थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे तवे पे उल्टा पलटा लो, हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल लो, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। अरे ब्रो अभी आ जाऊं तो तू चला लेना अच्छे से, मनन इतने प्यार से देख रहा हूँ खड़े होके हाथ बांध के। कल एक्शन ने चलाई थी, बोलता भाई ये क्या ले लिया। हाँ हाँ वार्निंग आ रही है इधर ब्रो, गियर लगाने की आदत पड़ी है, हो जाएगी ऑटोमेटिक की आदत, हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ यार भाई चल मिलते हैं ब्रो, बाय बाय। अंडे खत्म हो गए और कल इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये सारा रिस्टॉक करना भूल गया, बट हम वे प्रोटीन खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, खूब सारे फ्रूट्स खाएंगे, वे प्रोटीन कैरी करेंगे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और कोशिश करेंगे वहां पे भी जाके अंडा चावल मैनेज करने की। मम्मी नमक दे दो, दाल में नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, ये मिर्ची मत डाला करो। फ्यूल कल जब डिलीवरी लेने जा रहे थे तो मम्मी को मैंने बोला प्रोटीन शेक ले आओ मेरा बना के, ऐसे ही शेक करके पानी डाल के, मतलब तो ये ढीला छोड़ दिया मम्मी ने, ये बन नहीं गया था अच्छे से, मम्मी ने ऐसे शेक किया इनका पूरा का पूरा कपड़ा, डिलीवरी लेने जाने से पहले जो इन्होंने पहने थे अच्छे कपड़े, पूरे पे प्रोटीन शेक गिर गया। क्या कहती, मेरे 6 रुपए बर्बाद हो गए। मैंने कहा 6 रुपए, कहती कि 6 रुपए देके उसको धुलवाया था, प्रेस कर, जब प्रेस कराया था। एक भाई ने गाली दे दी मुझे, नहीं एक दूसरे भाई को, कमेंट सेक्शन में उसने बोला, किसी डैश ने भैया को बोला कि व्लॉग छोटे रखो और भैया व्लॉग छोटे बनाने लग गए, भैया व्लॉग छोटे मत बनाओ, ऐसा बोला। मैं कभी भी जानबूझ के व्लॉग लंबे या फिर व्लॉग छोटे नहीं बनाता हूँ, मैं बस नेचुरल रहता हूँ, वो जितना लंबा स्ट्रेच हो रहा है उठा के डाल देता हूँ, छोटा बन रहा है तो उठा के डाल देता हूँ, बस कंसिस्टेंसी मेरे लिए मायने रखती है, ठीक है। जब सवाल ज्यादा रहते हैं, जब समझाना ज्यादा रहता है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहता है, तो वो व्लॉग लंबे हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं रहता है उतना तो मैं क्यों फालतू की चीजें
घुसा के आपको बोर करूं। अब अननेसेसरी चीजें मैं घुसाऊंगा, ब्रश कर रहा हूं गाइज, ये देखो अपना सिर धो रहा हूं गाइज, नहाने जा रहा हूं, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। आप लोगों से प्रोडक्टिव बातें, आप लोगों से काम की बातें और आप लोगों से अपनी लाइफस्टाइल मैं शेयर कर रहा हूं, वो आपको मिल जा रही है समय में। अब वो मायने ही नहीं रखता है कि वो 45 मिनट का बन रहा है या फिर 19 मिनट का, ठीक है। इसीलिए गाली वाली नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से मैं डालता हूँ, मैं नेचुरली जितना आ जाता है वो सब डाल देता हूँ। एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ये कोई आजकल परसों तक डलने वाले व्लॉग नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे सारे के सारे। चलो जी, थोड़ा सा सामान, एक छोटी सी ट्रिप, पापा को सरप्राइज। और वो पापा हैं, दुबे जी हैं, छोटी मोटी चीजों से सरप्राइज नहीं होते, पर तब भी मेरा मन है। इस बैग में ऐसी चीजें हैं जो बार बार निकालनी पड़ेगी। इस बैग में क्या है? तेरा प्रोटीन और शेकर। अच्छा, फिर तो निकालनी पड़ेगी। आ जाओ बैठ, पानी को लात मत मारना नहीं तो पेट दुखेगा। आप ही कहती हो नहीं, गला। अच्छा, गला दुखता है, अरे बाप रे बाप। माँ यात्रा चालू, जय श्री गणेश, जय श्री। भाई साहब, इतनी स्मूथ गाड़ी है यार, इतनी स्मूथ है। ट्रक व्रक ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रक के पास से ओवरटेक करने में डर भी नहीं लग रहा, फट से हो जा रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है 2300 किलो की गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे शेर को खून मिल गया, ये देखो खून चख लिया। हाईवे इतना सुंदर हाईवे है ये भोपाल का। खैर, इससे सुंदर सुंदर भी है हाईवे, लेकिन अभी तो मैं पहली बार ऐसे किसी चौड़े हाईवे पे ऐसी किसी गाड़ी के साथ चल रहा हूँ। चलो अब चलाते हैं। मजे आ रहे हैं माँ। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6 सेकंड में। मम्मी को ही बोल दो बना देंगी पुरानी चाय। चाय के लिए रुके हैं, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। भाई यार, ये कितनी लंबी है। क्या कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ, YouTube वीडियो बनाता हूँ। वही मैं कहूँ, भाई देख रहा है इतनी देर से, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सारी रास्ते यही हम लोग, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ कम थी तो यहाँ पे स्पेशल चाय बनाई लग रहा है भाई ने। चाय बहुत अच्छी है। पी आपने कि ऐसे बोल रही हो? पी लिया ना। अच्छा, पी लिया। बहुत गर्म पी थी। चाय अच्छी बनाई बेटा। चलो यार, जानने का तो फायदा हुआ, स्पेशल चाय बनाई भाई ने। बहुत अच्छी चाय है भाई। हम लोग जा रहे हैं पापा से मिलने अपने। ये गाड़ी ली अभी नई, अच्छी है, एक नंबर है ना, बस पापा को दिखाने ले जा रहे हैं। जब मेरी बदौलत बॉडी बनी थी। अरे वाह यार। अभी भी तो ठीक है, चालू कर लिया थोड़ा जिम का, एक्सीडेंट के बाद हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ था? एक्सीडेंट के बाद हुआ, फिर घर की जिम्मेदारी। अच्छा, घर की जिम्मेदारी, समझ रहा हूँ। कोई नहीं, फिर से चालू कर देना, धीरे से बना लोगे आप, यंग हो अभी तो। मम्मी है, मम्मी से बात कर ले भाई, ये पैसे ही नहीं ले रहा है बंदा यार। ले लो मम्मी है, आपकी भी मम्मी समझ के ले लो, रख लो है ना। हाँ, और एक्सरसाइज चालू कर देना, ठीक है, नंबर दे दिया मेरे को बताना। चलो रख सुन, मैंने पैसे नहीं दिए तेरे। अरे चाय इतनी अच्छी थी कि उसकी कोई कीमत। सुन मेरी बात, मेरे को ना वो जब जिम ज्वाइन कर ले वापस तो मैसेज कर देना, नंबर दे दिया, ठीक है, ओके। फोटो पहुंच गई तेरे पास। मम्मी ये बॉटल रख लो। भोपाल आए, ये लेक को देख के मम्मी कह रही है हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। मम्मी तालाब है उधर, झील में तो हम लोग बोटिंग करे थे इस भोपाल झील में। बड़ी तो ऐसा लग रहा है समुद्र के किनारे चल रहे हैं। टिकट लिया था। क्या किया झील में? डिस्को किया उसमें। नहीं यार, क्या बात कर रही हो? अरे डिस्को क्या जरूरी कि डिस्को आए तो ही। नहीं यार। वो रहे राजा भोज की मूर्ति, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये वही वाले राजा भोज हैं क्या? गाने वाले। मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, कोई ऑफेंड मत होना, अगर वही वाले हैं तो बता दे। मम्मी पीछे चली गई हैं, एकदम सिठाइन जैसे बैठ गई हैं। और बना रही हूँ मैं, और मेरा बना रही है प्रोटीन शेक, मुझे बना के देंगे। मैंने कहा मम्मी गाड़ी नहीं रुकेगी, पीछे चले जाओ आप, मतलब सिग्नल पे रोकी थी ऑब्वियसली, वहाँ से पीछे गई हैं और वो शेक बना के देंगी। भूख लग रही है यार, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। केला है मम्मी? केला दे देना और शेक दे देना, पहले केला खिलवा दो फिर शेक देना। लो भाई साहब, ऑफ रोडिंग भी हो गई साथ ही साथ, कैपेबिलिटीज इसकी चेक हो गई है।
स्मूथ एज बटर, स्मूथ एज सिल्क। मम्मी के इम्प्रेशन बिगड़ जाएंगे पापा के सामने, इसलिए आगे बुला रहा हूँ। पर जा रहा हूँ, वहीं रहो, मैं नहीं खोल रहा। लग रही है उनको, आ जाओ अच्छे से खींचो मम्मी, ताकत लगा के। बेम्वे है ये, बेम्वे। किसी छोटी सी लग रही हो। नर्मदापुरम, ये है नर्मदा मैया। मम्मी अब बोल सकती हो आप जो वहाँ पे बोला था तालाब को देख के, फिर से बोल दो, फिर से बोल दो। हर हर नर्मदे, मालूम है घर? हाँ घर के, हाँ घर तो थोड़ा सा। मम्मी यार भूल जाती हो यार, दो बार आई हो, इधर है क्या? ओके, हाँ है, यही कहीं तो है। बता मेरे को, रास्ते नहीं याद है, चौथी बार आ रही। अरे यार मैं तो ताने मारूंगा, आप बोलो। हम बच्चे छोटे थे तो हमको मारती थी ना, मैं भी मारूंगा। देखना यहीं कहीं निकलने जाए, पतला सा रास्ता है। चलो और आगे, और आगे। बिना मतलब के खुशमा, तो आपको रास्ता नहीं पता? हाँ नहीं मालूम। यहाँ से ठीक है, उधर तुरंत बाद है। हाँ। मम्मी को रास्ता ही नहीं पता, इतना अच्छा नहीं। पापा का इससे भी खराब है। अरे बाप रे, ऐसा लगता है एनाकोंडा का कोई। एनाकोंडा क्या होता है? एनाकोंडा पीछे इतनी दलदल है ना, पानी सारे टंकियों का और नाली का सब नीचे। पापा नाली में रहते नहीं, डबल स्टोरी है, लेकिन नीचे पूरा कोई निकलने का रास्ता नहीं पीछे। भाई साहब मैं पापा को वापस ले चलूंगा यहीं से अब। कहा सीधा? अरे पापा मेरे को दिख गए। क्या सीट बेल्ट क्यों खोलने लग गए अभी से? उतर के गले मिल जाओगे। इनको पता है क्या? बाप रे बाप, इतनी खुशी। पापा कह रहे तुम बहुत बड़े कमी दे हो। अरे बाप रे। और पापा क्या हाल चाल? अरे मेरा टाइगर। आप बोले थे ना यार बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे अफसर के पास, मैं ले आया आपके लिए बड़ी गाड़ी। तो भयंकर आदमी है यार। कैसी लग रही है? देखते रहे फिर सोचो। मैं देख रहा हूँ व्हाइट वाली गाड़ी यार। ऑडी आएगी। पापा इको स्पोर्ट का वेट कर रहे थे। हाँ मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ यार। BMW। अरे तो कहाँ BMW ले आए झोपड़ी में? अरे कोई नहीं, झोपड़ी से BMW वो खड़ी है। तो चलो आप। हाँ यार अपनी बाइक BMW पुरानी वाली। हाँ हाँ कोई, बस सूरज अभी तो ढल जाएगा। अच्छा ये मंदिर है, मम्मी को मालूम ही नहीं था। ये मेरा बेटा है। जाओ चलो जाओ। लिया तूने कहाँ? इंदौर से लिया? कहाँ से? इंदौर से लिया पापा। रुको कल वही इको स्पोर्ट में ऐसे ही बता। चढ़ूंगा नहीं यार। खोलो। अच्छा वही ड्राइवर लेगा था ना तुमको? बताया बोले चलो गाड़ी लेने जाना है, रास्ते में 3 बताया, फिर उसके आगे 5 बताया। बैठ जाओ। आपकी है, बैठ जाओ। लग रही ना बड़ी? बड़ी है कि नहीं? थी तो ऐसा लगे कि ये कहाँ रखो, खत्म हो गया। पूछा नहीं तुमने कितने? अभी मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप मेरे को पीटोगे, मम्मी बताएंगी। पापा से डर लग रहा है, नाना तो दूर की बात है। नाना नहीं पीटते, नाना तो खुश रहते हैं। नहीं पहले कहते यार क्यों लिया इतनी महंगी। कहाँ तक होशंगाबाद तक? सरप्राइज, सरप्राइज। 12 का एवरेज है भैया। अच्छा। और इलेक्ट्रिक है ये, सेमी हाइब्रिड है, कभी इलेक्ट्रिक पे चलती है, कभी पेट्रोल पे, डीजल पे। और वो किधर है? घर पे। सब कह रहे हैं उसको नहीं बेचेंगे, वो भी है, ये भी है, सत्यम की भी है, सब है। जाओ मिठाई मंगवाओ और यहाँ बटवाओ। और इधर लगा दो चिपका के इस तरफ। हाँ, हाँ, कहीं भी लगा। यहाँ मम्मी खड़ी है, ये पीछे का कैमरा है, ऊपर से 360 सारा दिख रहा है। वो बोल रहे पापा की भाई है, वो पापा है लेकिन भाई जैसे दिखते हैं। Now turn right at the end of the road onto SH67. पापा का ये इधर है, पापा के सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं पापा। ये मेरी भाई के सबसे पुरानी MP09QR631। ये इंडियन आर्मी का मैंने ही लगवाया था। बहुत तगड़ी बाइक है यार ये।
सबसे पहली बाइक है मेरी जो कि मम्मी ने दिलाई थी मुझे। उसके बाद तोड़ के दिया था तेरे को। हाँ, FD तोड़ी थी मम्मी ने। अरे यार, भी नहीं ये तो काली से हरी हो गई है धूप में। इसमें तिरंगा भी लगा हुआ है। ये बाइक बहुत बहुत मजबूत है पापा। थंडरबर्ड टायर नहीं बदलवाए क्या तब से? नहीं। दिख ही रहा है देख के। बहुत टेस्टी है। खिला मम्मी। क्या है ये? अच्छा चॉकलेट है। नहीं वैसे ही वो ऐसे। अब खा रहा हूँ मैं। BMW वालों ने मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट दी थी। डिक्की में पड़ी तब से। ये सीढ़ियों पे गाय चढ़ जाती है। ये कुत्ता किसका भाई साहब? ये अपने कुत्ता जरा तेरे भूखा नहीं आ रहा उसने। मेरे को पहचान गया ना कि आपकी औलाद आ गई है। मालकिन है मेरा भूखा नहीं इधर थप्पड़ मारूंगा मैं। 10 को खिला देता हूं। पहचान नहीं। तुम लोगों को नहीं भूख रहा यार बड़ी मेरे को आश्चर्य लग रहा है। देखा पापा का गेट ऐसे खुला रहता है। उसको पता है ना। और तो ऐसा ऊपर चला जाता है ये। पापा ने यहाँ कुत्ता पाल रखा है और हमको घर पे मना कर देते हैं। बोलते हैं तुम दो हो तो ऐसी बेइज्जती करते हैं। पापा का रूम है ये गाइस देख रहे हो। ये पापा का जिम का सामान। और ये पापा का पता क्या है? गेस करो। बेंच प्रेस। सही बोला ना पापा? हाँ, बेंच प्रेस। ये पापा का बेंच प्रेस है। और ये बारबेल है। ये सब मैंने लॉकडाउन के समय लिया था। पापा यहाँ उठा लाए। देख लो कहाँ से उठे हैं। सेम ऐसा ही घर हमारा रहता था जब हम लोग अंबाला में थे। लेकिन पापा का अभी तक वैसा ही है। मम्मी कितना खिलाओ को दिक्कत आ जाएगी। पापा का पेट हिल रहा है। देखो पापा कह रहे किराए पे सांस ले रहा है। सरकारी चाय पी जा रही है। Cheers. अच्छा सरकारी नहीं घर की बनी है। अच्छा अंडों का बंदोबस्त हो गया है। पापा चावल उबाल रहे हैं। मेरी डाइट हर जगह पूरी हो जाती है क्योंकि इजीली अवेलेबल है हर जगह। आपको पता है कि नहीं ये सरप्राइज था। अरे वही ना यार। तो आप सरप्राइज्ड क्यों नहीं लग रहे हो? सरप्राइज तो मैं बहुत समझ नहीं आ रही। आप मेरे को ये बताओ कि ये पहले से पता था क्या आपको कि मैंने गाड़ी ली है? कसम से बता रहा हूँ तेरे को। चलो ठीक है। मैं तो वो व्हाइट वाली वो इको स्पोर्ट देख रहा हूँ। इको स्पोर्ट का इको ये लोग गए कहाँ यार? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ने बता दिया है। नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। क्यों मम्मी? मेरे को तो देखा ना, मेरे को मम्मी ने भी बोला ना, बोले कि ना वो शिवम कोई काम है भोपाल में। हाँ। तो मुझे लगा कि तेरा कोई ऑडियो क्या वो करता है ना तू। हाँ। ऑडिशन ऑडिशन क्या करता है? ऑडिशन नहीं करता, मीटअप। हाँ वही मेरे को लगा उसके लिए आया होगा तू। हाँ। वो तो लगा देना पर तू तो साला यहाँ आ गया। कहाँ लो है ये हाथ से फोड़ना सीख गया मैं भी। देखो आपको क्या चीज दिखा था। जुगाड़, इंडियन जुगाड़। वो पंखा दिख रहा है उस पर मिट्टी लगी हुई है। ये पापा का है ट्राइसेप्स पुश डाउन। यहाँ से आता है और वो पंखे से अटैच्ड है। उसके बाद ये दिख रहा है रेजिस्टेंस बैंड। और ये है मिरर। यहाँ से पापा करते हैं अपने ऑब्लिक्स को ट्रेन, एब्स को ट्रेन, सारी चीज़ें। उसके बाद ये है लैंडमाइन रोज। और यही बन जाता है बेंच प्रेस। यहाँ पे डंबल है। लगभग सारी की सारी एक्सरसाइज। देखो पापा भी बारबेल रोज नहीं करते, लैंडमाइन रोज करते हैं। थोड़ा गंदा है आसपास पर हमारा काम हो रहा है। अंडा बन रहा है। मम्मी ने चावल कुकर में बनाए थे। सारी चीज़ें हैं बस गंदगी है आसपास। अब इसमें हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखो यहाँ वॉश बेसिन भी। सारी की सारी चीज़ें आसपास हैं एकदम। अच्छा ये क्या है कौन बताएगा? ऐसे डिब्बों में आपके घर में यूजुअली क्या होता है बताओ? घी। ये गांव का घी है, A2 घी है। पापा लाए हैं कहीं से। यहाँ आसपास वाले गांव वाले उनको दे देते हैं। पर इसको चम्मच से डालने के लिए मुझे चम्मच चाहिए होगा। मतलब ज्यादा डल जाएगा नहीं तो। मम्मी चम्मच है उधर। चम्मच मैनेज हो गया, हमने धो लिया। ये थोड़ा सा दिखने में बेकार दिख रहा है पर ट्रस्ट में हमारा काम हो गया है। ये बहुत टेस्टी है, मैंने अभी चख के देखा है। पपीता काट दिया है मेरी माँ ने। अंडा चावल पपीता बस यही चाहिए सरवाइव करने के लिए मुझे। ये अपने आप चालू जाती, इसके पास जाओ तो देखो। वो जाना बेटा, नाक मत कटवाना। ये देखो हाँ हो गई ना। वो देखो लाइनें गाड़ी के नीचे से आती है।